खबर फिरोजाबाद से, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरगढ़ में मनाया विश्व स्तनपान सप्ताह। चिकित्सकों की टीम ने माताओं को बताए स्तनपान के लाभ। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जा रहा है विश्व स्तनपान सप्ताह। कार्यक्रम में नवजात शिशुओं के लगाए गए टीके। कार्यक्रम में फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर LK गुप्ता सहित कई चिकित्सक रहे कार्यक्रम में मौजूद। शहर के प्रतिष्ठित बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अविनाश पालीवाल ने की कार्यक्रम में शिरकत। कार्यक्रम के दौरान खैरगढ़ CHC प्रभारी रजनीकांत शर्मा व फार्मासिस्ट कुमार तिवारी के साथ ही अन्य स्वास्थ्यकर्मी तथा आशाएं मौजूद रही। उसमें कम मात्रा में बच्चे की ग्रोथ होगी, विकास होगा और माँ को अपने दूध के अलावा ये तो हमारे गाँव में करते नहीं। इसलिए एक और सलाह देनी है कि माँ कुछ भी खिलाए, चावल दही मिर्चा हल्का मिर्चा मसाला जो भी चीज़ घर में बन रही, कोई भी फल कोई भी सब्जी। कई लोग कहते हैं सब्जी नुकसान करती है, बासी सब्जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये भारतीय भोजन की जरूरत नहीं है तो उसका दूध अच्छा बनेगा, उसमें कम मात्रा में बच्चे की ग्रोथ होगी, विकास होगा और माँ को अपने दूध के अलावा भोजन की जरूरत नहीं है तो उसका दूध अच्छा बनेगा, उसमें कम मात्रा में बच्चे की ग्रोथ होगी, विकास होगा और माँ को अपने दूध के अलावा। सर आज अस्पताल परिसर में कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या है पूरा कार्यक्रम? ये कार्यक्रम हमारे यहाँ विश्व स्तनपान दिवस के उपलक्ष्य में मेडिकल कॉलेज की तरफ से किया जा रहा है जी। इसमें सभी आशाओं को, सभी लोगों को ये बताया जाएगा कि स्तनपान 6 महीने तक कितना ज़रूरी होता है। 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ देना नहीं है, सिर्फ स्तनपान पर ही उसे निर्भर रहना। ये कितने दिनों तक कार्यक्रम चलेगा? ये सब विश्व स्तनपान सप्ताह है, ये 1 हफ्ते तक चलेगा।